आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद से है, जहां एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोमबत्ती और टॉर्च के सहारे चलाया जा रहा है। डिलीवरी भी अंधेरे में ही कराई जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर गुरुसंडी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहां ट्रांसफार्मर जलने की वजह से बिजली आपूर्ति 2 दिन से बाधित है। बिजली ना होने की वजह से डॉक्टर नर्सों को भी मोमबत्ती से काम चलाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि प्रसव भी मोमबत्ती के सहारे ही कराए जा रहे हैं और वार्ड में जो मरीज भर्ती हैं उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन शिकायत के बाद अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया है। अस्पताल में अपनी लड़की की डिलीवरी कराने के लिए आई युवती का कहना है कि बिजली ना होने की वजह से दिन तो बीत जाता है लेकिन रात मोमबत्ती के सहारे काटनी पड़ती है। वहीं अस्पताल की स्टाफ नर्स ने बताया कि ट्रांसफार्मर जल गया है जिससे बिजली आपूर्ति बाधित है। साथ ही अस्पताल में लगा जनरेटर भी खराब है जिसके चलते अंधेरे में मोमबत्ती और टॉर्च के सहारे ही डिलीवरी करानी पड़ रही है। बिजली विभाग के लोगों से इसकी शिकायत भी की गई लेकिन अब तक ट्रांसफार्मर को बदला नहीं गया है। वहीं एडिशनल CMO ने बताया कि शनिवार को ही ट्रांसफार्मर जल गया था जिसकी सूचना बिजली विभाग के अधिकारी को दी गई है लेकिन हड़ताल होने की वजह से ट्रांसफार्मर बदला नहीं जा सका है। हम आए हैं तब लाइट नहीं बा, न पंखा बा, न बत्ती बा। अपन लेके मोमबत्ती बारत है, लाइट लेके बारत है, पंखा औकत है। तो ऐसे में डिलीवरी कैसे हो रहा है लोगों को? ए भैया, हमारा अच्छा भल बा भैया, तो हम अपने के अच्छा के लिए कह रहे हैं। अच्छा है दीने हमारे भल बा कायदे से बेटा बात, हम कैसे कही? अगर रात में डिलीवरी होगा तो कैसे लोग व्यवस्था करेंगे, क्या है? तो मोमबत्ती लेके आई तब हो, मोमबत्ती के सहारे डिलीवरी हो रहा है। कब से एडमिट हैं आप? हम सवेरे का सर, अभी यही लाइट नहीं है, यही दिक्कत है। तो मरीज आ रहे हैं तो कैसे आप ये, अच्छा ये जो सेंटर है यहाँ क्या क्या होता है, मतलब एक यहाँ पे मरीज डिलीवरी पॉइंट है, मरीज का पूरा सुविधा मतलब दिया जाता है। हाँ, तो ऐसे में अगर ये डिलीवरी सेंटर भी है तो डिलीवरी आप कैसे कर रहे होंगे, क्या व्यवस्था होगा? इस समय तो फिलहाल कैंडल वगैरह से कर रहे हैं, मोबाइल का टॉर्च लाइट से कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे कर रहे हैं तो दिक्कतें आ रही होंगी आपको? हाँ, दिक्कत तो बहुत ही है, दिक्कत बहुत आ रही है। अच्छा, आप यहाँ पे अकेले हुए हैं, इस समय कितने स्टाफ यहाँ पे नर्स हैं? आप अकेले, हम देख रहे हैं पूरे अस्पताल को संभाल रही हैं, कितने यहाँ पे सब हैं? जबकि यहाँ पे टोटल स्टाफ नर्स 4 हैं, एक में हमारी नर्स मेंटर है। हाँ? और मेरी ड्यूटी नाइट अकेले ही है। अच्छा, आप यहाँ पे अकेले ही देखते हैं? हाँ, नाइट ड्यूटी जिसका रहता है वो अकेले ही देखता है। तो अच्छा, यहाँ पे तो ऐसे में लाइट नहीं है, मरीज भी यहाँ पड़े हैं, दिक्कतें होती होंगी आपको भी इसको देख के? हाँ सर, दिक्कत होती है। तो क्या इसकी शिकायत कोई व्यवस्था वैकल्पिक बात की आप लोग किसी से कुछ? हाँ सर, सर से बात हुई है, सर ने कहा ठीक है हो जाएगी व्यवस्था, हमने कॉल कर दिया है, अब बिजली विभाग वाले जब लगाए तो हो जाएगी। जनरेटर भी हमारा जल चुका है। अभी कुछ देर पहले ही मैंने जानकारी ली है, शनिवार को बताया गया कि ट्रांसफार्मर जल गया है और अभी लग नहीं पाया है। जनरेटर वहाँ एक पुराना जनरेटर है जो काफी गड़बड़ चल रहा था और उसमें बता रहे हैं, अभी एमआईसी ने बताया है कि इसमें जो है काफी खर्चा है और अभी मैंने उनको रिसर्च किया है कि अपने सूत्रों से उसको जो है संपर्कों से उसको रिपेयर करवा लें, आरकेएस का पैसा जाएगा तो उसे पेमेंट कर दिया जाएगा और व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उनको निर्देशित कर दिया गया। अच्छा, अगर सर मानते हैं कि ये एक सरकारी ये अस्पताल है जहाँ पे एक मरीज आता है अपने उपचार के लिए और वहाँ पे अगर मोमबत्ती से डिलीवरी कराई जा रही है, बड़ी लापरवाही है, यह कतई उचित नहीं है और इसके लिए जो है अभी निर्देशित मैंने किया है और अगर इस पर सुधार नहीं होता है तो कुछ ना कुछ कार्रवाई की।